हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये वीडियो जो है मैं शेयर कर रही हूँ मिनी शॉपिंग हॉल का। और ये मैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करके लाई थी, बहुत कम ही है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे पहले लेकर आ चुकी थी। और ये लेकर के आई थी तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे सामान अभी मेरे पास पड़े हुए थे, जैसे मसाले वगैरह वो सब नहीं लाना पड़ा, तेल वगैरह नहीं लेकर के आना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी था मेरे पास। तो बहुत कम ही सामान था जो नहीं था, तो लेकर के आ गई हूँ मैं। और वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ सामान जो था मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो वो चीज़ें मैं उसके जो डब्बे में लेकर के ही नहीं आई हूँ, वो अंदर किचन में ही रखा है। जो खाली खाली डब्बे थे वो मैं लेकर के आई थी। और कुछ डब्बे जो थे मैंने अभी धो रखे थे, तो वो मैं सामान बाद में उसको रिफिल करूँगी। और फिलहाल मैं दिखा रही हूँ, ये मैं 1 kg घड़ी सरफ और 1 kg सर्फ एक्सेल और 1 kg टाटा नमक और 1/2 kg का मैं लेकर के आई थी बेसन, क्योंकि और मेरे पास बेसन पड़ा था। और 1 पोहा का पैकेट और 5 मैं लाई थी ईपी मैगी का पैकेट, 1 क्लोजअप था और 5 मैं लाई थी विम बार और 10 पाउच मैं लेके आई थी कॉफ़ी पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च वो ख़त्म हो गया था और चाय पत्ती मैं ले ली थी 250 ग्राम क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था और 5 घड़ी साबुन और थोड़े से मैंने सोया बड़ी लिए थे, बड़े और छोटे वाले दोनों मिक्स करके मैंने ले लिए हैं और 2 तरह के नमकीन हैं वो लेकर के आई हूँ। बाकी जो है कुछ दाल वगैरह थी, चीनी वो मैं लेके आई हूँ, कुछ मेरे पास पहले से भी पड़ा हुआ था तो। और साथ के साथ मैं दिखा रही हूँ, 2 मैं रस का पैकेट लाई थी लेकिन 1 तो बच्चों ने खोल दिया था सुबह में ही। और जितने भी सारे सामान मैं लाई हूँ वो सारे मैं रिफ़िल कर लूँगी डब्बों में। तो अभी मेरे पास चाय पत्ती थी तो इसलिए मैंने बड़ा वाला पैकेट नहीं खोला, जो पहले वाला पैकेट था उसी को मैंने डाल दिया था। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़े बहुत चीनी भी स्टोर करके भी रखा हुआ था, तो वो वाला भी डाल दूँगी और जो मैं लेकर के आई हूँ वो भी डाल दूँगी उसमें। आई होप आज का जो वीडियो है मेरा ग्रोसरी शॉपिंग हॉल का, वो वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ 1 लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए होंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। किचन से रिलेटेड वीडियो हो या फिर क्लीनिंग का वीडियो हो या कोई भी रेसिपी, जब भी मैं कोई नया रेसिपी बनाती हूँ उसकी भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ और डेली ब्लॉग्स भी मैं शेयर करती हूँ। और ये जो है ये है चना दाल, मैं 1 kg चना दाल लेके आई थी तो वो मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। और 1 kg अरहर का दाल लाई थी, तो चना दाल तो मैं मिक्स करके बनाती हूँ, जैसे मूंग मसूर और या फिर मूंग मसूर चना या फिर चना और मूंग या चना या मसूर ऐसे करके बना लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि चना मूंग दाल और मसूर दाल जो है वो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं सोची एक बार ख़त्म हो जाए तभी मैं दोबारा लेकर के आऊँगी। तो क्योंकि चना दाल वगैरह ज़्यादा लग जाता है, अरहर का दाल ज़्यादा बनाती हूँ तो इसलिए वो ज़्यादा रखती हूँ और ये कम लगता है तो कम ही रखती हूँ। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा बेटा ट्यूशन से आ गया था और वो मेरी काम में मदद करा रहा था। और इस वीडियो में मैंने थोड़े से सामान की शॉपिंग करी है तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है मिनी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। पहले वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर एडिटिंग करो, उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड करो, बहुत ही मेहनत लगता है। अगर कोई अगर इसमें डिसलाइक करता है ना तो बहुत दुख होता है इस बात का। तो प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना और नहीं पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग डिसलाइक मत करना, छोड़ देना। आई होप आप लोग समझदार हैं, आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है तो आप लोग समझ जाएंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो लोग डिसलाइक देते हैं। डिसलाइक देने से ये होता है कि हमारे मन में ना एक नेगेटिविटी पैदा होती है, अगर हम सोचते हैं कुछ अलग करने का बट कर नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद है कि यही उम्मीद रखूँगी कि आप लोग सोच समझ कर लाइक करेंगे, और पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
और सारा सामान मैंने जो डब्बे में है भर रखे हैं। कुछ सामान है कि अभी जैसे चने राजमा ये सब नहीं भरे क्योंकि वो डब्बे मैंने धो करके धूप में रखे हुए थे, अभी सूखे नहीं थे, तो इसलिए नहीं लाई। उसे मैं बाद में रिफिल कर लूँगी। और आटा तो मेरे पास था, वो मैं लेकर के नहीं आई थी। और सरसों तेल भी मैं जैसे कि पूरा जो उसका केन होता है वो लेकर के आई हूँ। और ये है चावल की बोरी। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।